हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड एनी द बीटेस अपडेट वीडियो। तो दोस्तों, जिमिन कल डियोर के एक इवेंट को अटेंड करने गए थे। दोस्तों, जिमिन जिस इवेंट को अटेंड करने गए थे उसका नेम था लेडी डियोर सेलिब्रेशन एग्जीबिशन। दोस्तों, ये इवेंट साउथ कोरिया सियोल में ही था। एंड दोस्तों, जिमिन इस इवेंट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। एंड दोस्तों, इवेंट को अटेंड करने के बाद घर आते ही जिमिन वीवर्स पे लाइव आ गए थे। दोस्तों, कल सच में आठवां जुबा हुआ था, क्योंकि दोस्तों जिस जिमिन ने जंगकुक के ड्रीमर्स की परफॉर्मेंस की फोटो पोस्ट करते वक्त टीवी को क्रॉप कर दिया था, कल वही जिमिन अपने घर से लाइव आया था और जिमिन ने हम आर्मी को अपने घर का टूर भी करवाया था। दोस्तों, जिमिन ने अपने घर की काफी सारी चीजें हम आर्मी को दिखाई थी। तो दोस्तों, जिमिन ने हमेशा की तरह इस लाइव में पहली लाइन बोली, हेलो एवरीवन, बहुत टाइम हो गया ना आप सबसे बात करे हुए। आपको क्या लगा कि मैं इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो वो दिन मेरे लिए बहुत हार्ड होता है। एंड दोस्तों, फिर एक आर्मी ने कमेंट करा, हम लोगों के जिमिन बिना शेड्यूल के नहीं रह सकते हैं। जिस पर जिमिन ने कहा, हाँ आपने सही बोला। एंड दोस्तों, फिर जिमिन अपने डियोर के इवेंट की बातें कर रहे थे। दोस्तों, जिमिन ने कहा कि मुझे डियोर के इवेंट में जाना मुश्किल लगता है कि वहाँ जाओ और कहो, हाँ मैं डियोर का एम्बेसडर हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, पर आप लोग मुझे वहाँ देखने आए थे और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको आज के इवेंट में देखकर मुझे पेरिस वाले इवेंट की याद आ गई, जब आर्मी मुझे देखने आई थी, बट मैं आपको सही से ग्रीट भी नहीं कर पाया था। मैंने उस टाइम अपने मैनेजर से कहा था कि हम डोर से चलेंगे और वहाँ जाकर बोलेंगे टैडम, पर जैसे ही मैंने गेट खोला आप में से कोई भी वहाँ नहीं था, क्योंकि हम उस इवेंट में गलत डोर से बाहर आ गए थे। एंड दोस्तों, आपने भी अभी तक जिमिन के हैंड पर चोट तो नोटिस कर ही ली होगी। दोस्तों, लाइफ में आर्मी जिमिन से इस चोट के बारे में पूछ रही थी, तो जिमिन ने बताया कि ये चोट उसे एक्सरसाइज करते वक्त लग गई थी, बट उसे इसका दर्द नहीं हो रहा है। एंड दोस्तों, फिर जिमिन ने कहा कि मैं इधर बीच आपसे ज्यादा नहीं मिल पाया, पर मैं आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं इस टाइम खुद पर वर्क कर रहा हूँ और खुद को और बेहतर बना रहा हूँ। मैं कुछ सॉन्ग्स पर भी वर्क कर रहा हूँ। मैं और भी ज्यादा ग्रो होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपको अपना कॉन्सर्ट भी दिखाना है, और इसीलिए मैं जिन चीजों में अच्छा नहीं हूँ मैं उसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मेरे पास इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मुझे भी मिलिट्री में जाना है, और इसीलिए मैं सोच रहा था कि जो बचा हुआ टाइम है उसे मैं आपके साथ कैसे स्पेंड करूं, और ये सोचते सोचते मैंने बहुत टाइम लगा दिया और इसीलिए मैं आपसे मिलने भी नहीं आ पा रहा था। आप सभी आर्मी हम मेंबर्स के साथ आने का वेट कर रहे हो और हमारे सोलो प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हो, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने लेसन्स और शूटिंग के अलावा आजकल सिर्फ घर पर ही रह रहा हूँ। मैं कभी कभी हान रिवर पर वॉक करने जाता हूँ और मैं हमेशा वहाँ पर आर्म के पोस्टर से मिलता हूँ। मैं अपना 30s आपके साथ खुश होकर बिताना चाहता हूँ। एंड दोस्तों, फिर एक आर्मी ने कमेंट करा कि मैंने आज एक सपना देखा था कि मैं जिमिन को डेट कर रही हूँ, पर फिर जिमिन ने मुझे छोड़ दिया। जिस पर दोस्तों जिमिन हंसने लगे और जिमिन ने कहा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं करा होगा। दोस्तों, फिर जिमिन ने कहा कि आज जंगकुक का बर्थडे है, मैंने जंगकुक से फोन पे बात करी थी, जंगकुक इस टाइम बहुत ही ज्यादा बिजी है, मैं चाहता हूँ कि जंगकुक अपना ख्याल रखे, उसकी तबीयत खराब ना हो। आप सभी जंगकुक को बर्थडे विश करना ना भूलना। एंड दोस्तों, इसके बाद जिमिन ने कहा कि मैं आज लाइव इसीलिए आया था क्योंकि मुझे आपसे बात भी करनी थी और आपको कुछ दिखाना था। एंड दोस्तों, फिर इसके बाद जिमिन हम आर्मी को अपने रूम में ले गए थे। एंड जिमिन ने वहां पर अपनी मूड लाइट दिखाई थी जो जिमिन रिसेंटली ही लेकर आए हैं। दोस्तों, जिमिन के घर की छत पर जो मूड लाइट थी वो सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी। दोस्तों, इस मूड लाइट में सभी प्लैनेट्स दिख रहे थे एंड स्टार्स दिख रहे थे, एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड दोस्तों, इसी के साथ जिमिन ने ये पोस्टर भी दिखाया था जो BTS के कॉन्सर्ट का था। एंड दोस्तों, फिर आर्मी ने जिमिन से कहा कि अपना सीक्रेट रूम दिखाओ, तो जिमिन ने अपना जिम रूम दिखाया था, और फिर जिमिन ने एक रूम दिखाया था जो कि जिमिन के डैड यूज करते हैं जब वो जिमिन के घर आते हैं। एंड दोस्तों, फिर जिमिन वापस अपनी जगह पर बैठ गए थे, और फिर आर्मी ने जिमिन से पूछा कि क्या उसे कोल्ड हुआ है, तो जिमिन ने कहा कि नहीं, मैं धीरे बोल रहा हूँ, मुझे कोल्ड नहीं हुआ है। एंड दोस्तों, फिर जिमिन ने ये भी बताया कि जिमिन जिन और जेहोप से बहुत ही जल्द मिलने जाने वाले हैं मिलिट्री में। एंड दोस्तों, फिर जिमिन हम आर्मी से कह रहे थे, जब किसी दिन मैं रात में सो नहीं पाऊंगा तब हम लोग साथ में इस मूड लाइट को देखेंगे। एंड दोस्तों, फिर आर्मी कमेंट में जिमिन से कह रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम सारी चॉकलेट फैक्ट्री
बंद क्यों हो गई हैं? जिस पर जिमिन आर्मी से पूछने लगे कि ऐसा क्यों है क्यों है। तो एक आर्मी ने जिमिन को बताया कि क्योंकि जिमिन बहुत ही ज्यादा स्वीट है, इसलिए सारी चॉकलेट फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। दोस्तों दरअसल कुछ टाइम पहले जिन ने ये जोक हम आर्मी के लिए बनाया था एक अवार्ड शो में कि इस टाइम सारी चॉकलेट फैक्ट्री बंद हो गई है क्योंकि आर्मी बहुत ही ज्यादा स्वीट है। एंड दोस्तों लाइफ में आर्मी ने इसी जोक को यूज करा था जिमिन पर। एंड दोस्तों फिर जिमिन कहने लगे कि अब मुझे सोने जाना है, मुझे अपना मेकअप भी रिमूव करना है, मैं अब जा रहा हूँ, आप सभी ढेर सारा पानी पीना, अपने दिन को अच्छे से स्पेंड करना, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आज भी और कल भी करता रहूंगा। एंड दोस्तों फिर जिमिन ने अपनी लाइफ एंड कर दी थी। दोस्तों जिमिन की कल की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था जब जिमिन ने अपने घर को हम आर्मी को दिखाया था। एंड दोस्तों इसे देखकर आर्मी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और आर्मी को ये देखकर अच्छा भी लगा कि कैसे अब बीटीएस के सभी मेंबर हम आर्मी के साथ अपनी हर चीज शेयर करने लगे हैं। तो दोस्तों आपको जिमिन की लाइफ कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।